सबसे पहले बात करते हैं यूपी के बुलंदशहर की, जहां पर पिछले दिनों किशोरी से अपहरण के बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कार और बैग भी बरामद किया है। झंगेरवाद में एक लड़की का अपहरण हुआ, उसके बाद गैंग रेप की घटना हुई, क्या उसमें खुलासा पुलिस कर रही है? इसमें जहांगीराबाद थाना एरिया में 10-11 मार्च नाइट में ये घटना हुई, लड़की का अपहरण, गैंग रेप, ये मामला लिखा है। अभी इस केस में सबसे पहले ये मैं बोल रहा हूँ, डीएनए रिपोर्ट में ये आया है गैंग रेप नहीं है, ये एक आदमी का बलात्कार का केस है। मतलब डीएनए में एक ही आदमी का पुष्टि आया, गैंग रेप नहीं है। वो पहले ये पूरी अगर घटना बोलना हो वो है, इस केस का वो नाबालिग लड़की है, उन्हीं का अभी हम पकड़ा है। ये बहुत ही डराया, तू बाहर बताएंगे तुम्हारा पूरा परिवार का, ऐसे हम पीस पीस करूंगा, काटूंगा, हत्या करूंगा, ऐसे डरा दिया उन लोगों का, इसलिए वो सही नहीं बताया। इसी में डीएनए रिपोर्ट में ये आने के बाद पहले वो नाबालिग लड़की बताया गैंग रेप है, हमारा डीएनए वेरिफिकेशन में आया ये की काम। डराने का मोटिव क्या है, आगे का क्यों डरा? मतलब नाम बोलेंगे जेल जाएंगे ना ये। वो सोचा डरा करके छोड़ेंगे, हमका नाम नहीं बोलेंगे सर, ये सोचा। लेकिन अभी ये आया किसी रिलेटिव में तो लड़की की इन लोग ये डिस्टेंट रिलेटिव नहीं है, उसी गांव का है। ऑलरेडी कोई पारिवारिक झगड़ा भी है इन लोग का, छोटा छोटा संबंध नहीं है इन लोग का। अचानक ये एक्चुअली लुटेरा है, इसमें 3 लोग है अभी, जितेंद्र वो नरसू, दूसरा ये चौकेंद्र है, ये तीनों का इतना, जितेंद्र के खिलाफ 12 केस है लूट केस, अभी भी जहांगीराबाद में कुछ केस हुई उसके भी इसमें इनका नाम आ रहा है, ऐसे छोटी छोटी इश्यू है, 12,000-1,000 ऐसे इनका नाम आ रहा है। ये ऐसे हमारा गैंगस्टर में भी वांटेड है, ये गैंगस्टर में भी वांटेड है, इतना क्रिमिनल हिस्ट्री इनका, ये आ रहा है अभी। लड़की का जो रिश्तेदार को पकड़ कर जो डाला, क्या उन्होंने भी चैन कराया कि उन्होंने? अब जितेंद्र का पूछ रहा है, जितेंद्र का नाम इसमें नहीं है, मतलब शुरू में भी हम लोग का डाउट है, जितेंद्र का नाम इसमें नहीं है। मतलब लड़की शुरू से डर से पुलिस का सही नहीं बताया, इसलिए ये केस ओपन करने में लेट हो गई। वो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद हम लोग मतलब उसी एरिया में कब घटना हो गई उसी दिन मोबाइल फोन का स्विच ऑफ करके ये लोग भाग गया। हम ऐसे ऐसे हमारा इन्वेस्टिगेशन में एक एक करके पकड़ा, ये 2 के नाम एक आने के बाद, डीएनए में एक आने के बाद लड़की का कुछ फोटो का शो कर दिया। ये अभी ये कबूल नहीं कर रहा है, ये कबूल नहीं कर रहा है, कबूल करेंगे पूरी आएंगे। मतलब बाई चांस ऐसे कर दिया और प्लान करके कर दिया, ये सभी ये इन्वेस्टिगेशन में आगे आएंगे। एक मिनट,